नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में राकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक बोनसाई पॉट बनाएंगे जिसमें हम ये जो आप देख रहे हैं ये डस्ट है, ये कंस्ट्रक्शन स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाती है। आप सैंड भी यूज कर सकते हैं, सैंड में आप जीरो नंबर का जो दाना आता है बजरी वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये दाना आपको दिखाई दे रहा है, इतनी बारीक बजरी आती है कंस्ट्रक्शन स्टोर पर, जो मार्बल में मार्बल का जो फर्श लगाते हैं उसमें यूज करते हैं। आप रेत में वो मिक्स कर सकते हैं, या फिर ये डस्ट आती है इसके अंदर ऑटोमेटिकली, ये जो टुकड़े हैं पत्थर के, पत्थर क्रश किया हुआ होता है इससे हम बनाएंगे, इससे काफी मजबूत पॉट बनता है। ये मैंने आपको 50-50 का कॉम्बिनेशन चाहिए, हमने दो मग इसमें ये मैंने माप लिया है, इसमें मैंने दो माप जो है वो डस्ट के डाल दिए हैं और दो ही हम सीमेंट के डालेंगे। तो दोस्तों एक ये डाल दिया है, एक और डालना है अभी। तो दो हमारे जो हैं वो हो गए हैं सीमेंट के और डस्ट के। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एक बार मैं मिक्स कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो सीमेंट में डस्ट हम हाथ से मिला देंगे, और इसमें जैसे अगर हमें ग्लव्स पहनने चाहिए क्योंकि सीमेंट के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जिससे कि हमारी जो स्किन है उसके अंदर एलर्जीज हो सकती हैं, कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो मैं अपने हाथ में दस्ताने यूज नहीं करूंगा, मैं जस्ट ये जो तेल है, आप नारियल तेल या ओलिव ऑयल या कोई भी स्किन क्रीम, वैसलीन, कुछ भी यूज कर सकते हैं जिससे हमारी जो स्किन है उसके ऊपर एक लेयर बन जाए, ताकि हम जब काम करेंगे तो इसके हमारे हाथों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सीमेंट का। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसको आप सूखा ही मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि गीला होने के बाद ये मिक्स होने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, अच्छे से मिक्स नहीं होता अगर ये गीला हो जाता है। तो इसको आप सूखे को ही मिक्स करने की कोशिश करें। ये हमारा बनकर लगभग हमारा लगभग मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें वाटर डालेंगे, अब हम इसमें पानी डालेंगे। दोस्तों इसको मिक्सचर को ज़्यादा ढीला नहीं बनाना है, हमें थोड़ा टाइट रखना है क्योंकि हम सीमेंट पॉट बनाएंगे, तो सीमेंट पॉट बनाने के लिए इसमें अगर ज़्यादा ढीला हो गया तो हमारा जो पॉट है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा टाइट रखूँ। आप ग्लव्स पहनकर इस्तेमाल कर सकते हैं हाथों को, बट मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं तो मैंने इसमें अपनी स्किन प्रोटेक्टिंग के लिए ऑयल यूज़ किया है। आप भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि सीमेंट के साथ जो आपका हाथ है हाथों का संपर्क ना हो, जिससे आप बच सकते हैं हाथ कटने से, तो क्रैक पड़ जाते हैं अगर आप नहीं लगाते हैं। तो एक बार मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ देन आपके साथ। दोस्तों ये हमारी डाई है, इसमें हम अपना बोनसाई पॉट या फिर अपने एडेनियम प्लांट के लिए पॉट तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें ऑयलिंग करनी होगी, क्योंकि ऑयलिंग से क्या होता है, ऑयलिंग से जो पॉट है वो जल्दी से निकल जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैंने ऑयलिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। आपको एक थर्माकोल लेना है इतना मोटा लगभग, और इसको आप इसके बॉटम में रख देंगे, और आप ऐसा उसी डाई में कर सकते हैं। ये दोस्तों 10 रुपए की आती है हमारे यहाँ पे, जिसमें ये थोड़ा सा गहरा होता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। आप थर्माकोल चकोर काटिएगा और गोल में हम ऐसे रखेंगे तो ये साइडों में जो है वो खाली बचेगा, ये खाली हमारे जो पॉट है उसकी लैग बनेगी। तो और ये हमने एक मैंने गोल काटा हुआ है थर्माकोल, ये हमारा बॉटम होल बनेगा। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, और हम जो हमारा मटेरियल है सीमेंट का, तो दोस्तों जो ये मटेरियल है हमने थोड़ा टाइट रखा है, और आप देख सकते हैं ये इस टाइप का हमें मटेरियल बनाना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो इसको हाथ से दबा देंगे ताकि जो ये हमारा हिले ना, और जो ये साइडों में खाली जगह है जहां पर लैग बनेगी वहां पर हम इसको अच्छे से अंदर फिल कर देंगे।
ताकि इसमें नीचे कोई एयर पॉकेट या खाली जगह ना रहे। ऐसा ही हमें चारों साइड करना है। तो दोस्तों ये जो हमने मटेरियल है हमारा सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्सचर है वो हमने इसकी चारों साइड जो है वो अच्छे से फिल कर दिया है ताकि इसके अंदर कोई भी गैप ना रहे। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा बॉटम होल है इस बॉटम होल के बराबर हमने इसमें मसाला डालना है। एक बार मैं डाल लेता हूँ देन आपके साथ शेयर कर। तो ये हमने इसमें चारों साइड अपना जो मटेरियल है सीमेंट का वो लगा लिया है। अब हम इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा घुमा कर इसको लेवल में कर लेंगे। और ये बॉटम होल है इसके ऊपर, इससे ऊपर हमें नहीं जाना है, इसके लेवल तक ही हमें जो अपना मटेरियल है वो फिल करना है। और दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत पॉट बनने वाला है जिसको देखकर आप एक बार बनाने की वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। क्योंकि अडेनियम के जो प्लांट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कम गहराई वाला पॉट चाहिए होता है, तो वो कम गहराई वाला पॉट हम बना रहे हैं। और इसके लिए हमें जो बोनसाई पॉट होते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने ये बॉटम होल देख लिया है, इसके बराबर हमने चारों तरफ से इसके जो मटेरियल है वो फिल कर दिया है। दोस्तों इसको लगाने के बाद जो है वो हम साइडों से थोड़ा थोड़ा इसमें ऐसे लगाएंगे कि इसकी जो साइड है वो बन जाएंगी। इस तरीके से हम इस तरीके से लगाते रहेंगे चारों साइड थोड़ा थोड़ा। मटेरियल थोड़ा सा गाढ़ा रखना होता है, सूखा होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला होगा तो ये जैसे हम यहाँ पर साइडों में लगाएंगे तो वो नीचे स्लिप हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो पॉट है हमारा ये अगर मसाला ढीला होगा तो ये नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगा, बट इसमें मैंने थोड़ा सा मेरे से लूज़ हो गया है क्योंकि लगाने के बाद ये थोड़ा लूज़ होता है। आप मसाला थोड़ा इस टाइप का लीजिएगा, थोड़ा टाइट, ताकि ये साइडों में स्लिप ना हो। अगर ये स्लिप आपसे हो जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप इलाज है, आप खाली सीमेंट लीजिए और इसके अंदर की साइड इस तरीके से फेंक दीजिए। ये क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर है हमारे सॉइल में, इसमें जो हमारा मीडिया है जिसमें हम पॉट बना रहे हैं सीमेंट का, तो ये सारी जो सीमेंट है इसने वाटर को सक कर लिया है। अभी आप देख रहे थे इसमें पानी था बट अब नहीं है, अब ये रुका रहेगा यहीं पर। और दोस्तों इसको हाफ लगाने के बाद जब ये थोड़ा टाइट हो गया है, जैसे मैंने इसमें सीमेंट लगा दिया तो थोड़ा टाइट हो गया है, अब आप ऊपर का ऊपर से लगाना स्टार्ट कर दीजिए इस तरीके से। और इसके साथ हम लेयर बनाते चलेंगे ताकि जो ऊपर का हमारा क्लीनिंग जो है वो अच्छे से आ जाए, ऊपर से अच्छा दिखना चाहिए पॉट। ये हम चारों साइड से इसी प्रकार से लगाते रहेंगे। दोस्तों इसके जो क्लियर हो गया है ये, इसके हमारे लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस हमें ज़रूरत है इसको थोड़ा सा क्लीनिंग देने की। तो वो हम जो हमारा स्पून होता है, चम्मच होता है, उसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा प्लेन कर देंगे, जिससे जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों ये देखिए इसके क्लीन करने के बाद फिनिशिंग दे दी है हमने और इसमें फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ गई है जैसा आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये सूखकर आप इसको दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, धूप में रख दीजिए, ये ड्राई होता रहेगा। और ड्राई होने के बाद मैंने एक पॉट अलग से निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मेरा पॉट है ये मैंने इसी तरीके से बनाया है और इसकी आप लेग्स भी देख सकते हैं, ये इसकी जो लेग हैं वो काफ़ी मजबूत, इसे काफ़ी मजबूत पॉट बनकर ये तैयार है। इसमें ड्रेनेज होल के लिए हमने जो थर्माकोल लगाया था वो निकाल लिया था और जो इसके नीचे हमने ये थर्माकोल चकोर दिख रहा है आपको, देख सकते हैं दोस्तों, और ये चकोर हमने इसमें थर्माकोल लगाया था और वो थर्माकोल हमने बाद में रिमूव कर लिया था, तो ये इसकी लेग्स बच गई थी और ये बहुत ही अच्छा पॉट बनकर तैयार है। और जैसा आप देख सकते हैं ये देखिए, आप इसमें दोस्तों मन चाहा अपना कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये सब डाई का कमाल है। आप एक अच्छी डाई यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा मजबूत पॉट बनकर रेडी है मेरा। और मैं इसमें अडेनियम का प्लांट लगाऊंगा और उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा
और जब वो वीडियो आ जाएगी तो इसके वीडियो को एंड में आपको वो वीडियो दिखेगी, उसमें एडेनियम की सोयल के बारे में और एडेनियम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। आप वहाँ पर मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो प्लांट से रिलेटेड मैं आपके गार्डन से रिलेटेड लेकर आता रहता हूँ। अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।